When I just did some literature search, I have found that many of the skills, please settle down. Many of the skills which are required for a supervisor, they are actually like parenting skills. So those of you who are parents, for them also this will be very beneficial. But if you want to be a supervisor, then definitely this is going to provide some guidelines to you. In my opinion, which obviously I have taken from literature, the first skill which is needed is the love and affection. And please remember, love by definition is a relationship which is not a business. Love by definition is a relationship which has to be unconditional. Unconditional. आपने अच्छे नंबर लिए हैं तो मामा आपसे प्यार करती हैं, बाबा प्यार करते हैं, तुम्हारे अगर नंबर बुरे नहीं आए तो तुम बहुत बुरे बच्चे हो. It's not like that. It is unconditional love. That does not mean that you leave your children or you leave your trainees unguarded. जो उनकी मर्जी है वो करते रहें because you have an unconditional love. इसकी ये डेफिनेशन नहीं है. अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि इफ दे डू समथिंग विच इज नॉट अप टू मार्क, यू हैव गॉट अ मैकेनिज्म टू हैंडल इट, यू हैव गॉट एन एसओपी टू हैंडल इट, यू हैव गॉट प्रिंसिपल्स वर्किंग इन योर यूनिट, वर्किंग इन योर एट योर होम इन ऑर्डर टू हैंडल दैट, राइट? बट दिस इज विदाउट बींग जजमेंटल. एक बंदे ने कोई गलत काम किया है अगर, आपके बच्चे ने या आपके ट्रेनी ने, या वो अप टू मार्क नहीं है या उसकी ट्रेनिंग में डेफिशिएंसी है, यू कैन करेक्ट इट, यू कैन इवन हैव सम काइंड ऑफ अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द अनकंडीशनल लव. यू स्टिल अनकंडीशनली लव योर ट्रेनी वाइल इवन यू आर इंप्लीमेंटिंग दोज एसओपीज. ये आप याद रखिएगा. आप में से कुछ ने कहा कि आपके टीचर बहुत पोलाइट थे, बहुत काइंड थे, कुछ भी नहीं कहते थे. कुछ कहते हमारे से कुछ भी नहीं कहते, आओ आओ, नहीं आओ ना आओ, कुछ नहीं कहते थे. अगेन दिस इज नॉट लव, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एनिमिटी विद दैट, बिकॉज यू आर डिप्राइविंग हिम और हर फ्रॉम दैट ट्रेनिंग. तो इसलिए प्लीज याद रखिएगा, अनकंडीशनल लव का मतलब यह है कंसर्न होना लेकिन लव का लेवल कम ना हो. और दूसरी बात यह है कि इट इज ऑलवेज एंड वन ऑन वन बेसिस. इसका मतलब यह है कि योर ट्रेनी इज काइंड ऑफ ओब्लाइज्ड फ्रॉम यू, ऑलवेज रिमेंबर्स I am because of this supervisor. ये इसकी वजह से हुआ है, आपने पर्सनल उस पर एहसान किया हुआ है. और एहसान किस लिए? एहसान करने की सेक के लिए, किसी चलाकी के चक्कर में नहीं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर लव. तो प्लीज आप याद रखिएगा, पेरेंटिंग के लिए और सुपरवाइजर के लिए जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट एंड फर्स्ट स्किल और अ फर्स्ट वर्च्यू we have to have is unconditional love. आप अपने दिल में सोचिए कि आप ये develop कर सकते हैं अपने supervisors के लिए. आप में से कितने के बच्चे हैं, औलाद कितने की? Honestly बताइएगा कि आप में से कितने बच्चों के साथ आपका unconditional love है. Please raise your hand. सबके लिए unconditional love है. मुझे बताइए कि दो बच्चे हों, एक बच्चा जो है वो first आता हो, एक बच्चा नंबर उसके अच्छे ना आते, दोनों के साथ आपका रवैया एक जैसा होगा? एक जैसा होगा रवैया उसके? आप कभी तो नहीं कहते देख भाई तेरा इतना पढ़ रहा है तू नहीं पढ़ती, ऐसा कभी कहते? तो फिर अनकड़े बच्चे को तो नहीं पता चलता, बच्चे को तो नहीं पता चल रहा आप दिल से कह रही हैं कि दिल से नहीं कह रही हैं. लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट हो जाती है नहीं, आज तक ऐसी कभी नहीं. देखिए बात यह है, एक बच्चा है, ये मिसाल कई दफा हमारे दोस्त सलमान आसिफ साहब वो भी देते हैं,
एक बच्चा है वो आता है आपको सलाम करता है, आपको कहता है सलाम अलैकुम, क्या हाल है मामा आपका, मामा मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ थोड़ी सी, मैं आपके बर्तन धो दूँ, बर्तन धुले हुए थे, तो दादा बू कहाँ है, दादा बू ने दवाई खाई कि नहीं खाई, घर का कोई काम तो नहीं करना। एक ये बच्चा, कितना अच्छा बच्चा है ये, लेकिन इसके नंबर नहीं आते अच्छे। और एक और बच्चा है जो फर्स्ट आता है मगर कभी घर का कोई काम नहीं करता, कभी उसको परवाह नहीं होती कि अब्बू का सर तो नहीं दर रहा। आप फख्र के तौर पर किसको पेश करेंगे, ईमानदार से बताइए, जब आप दोस्तों में बैठे होंगे कि माशाल्लाह ए लेवल के अंदर इसने A7+ लिया। ये जो हम कह रहे हैं ना, हम अनकंडीशनल कर रहे हैं, आप अपने दिल में झांक के देखिएगा, अक्सरियत का लव अनकंडीशनल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ताने ना अपने बच्चों को देते, मैंने तुम्हारी खातिर क्या किया, मैंने तुम्हारी खातिर क्या किया, मैंने तुम्हारी खातिर क्या किया, मैं रातों को जागती हूँ, दिन को जागता हूँ, सारा दिन काम करो, एक तुम पढ़ नहीं सकते बस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको उस बहस में नहीं पढ़ रहा आप, और ख़ासतौर पर इन कॉन्टेक्स्ट विदाउट ट्रेनिंग, आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, एक SOPs होनी चाहिए, बट दिस दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज़, बट दिस SOP शुड नॉट बी कम्प्रोमाइजिंग, दिल के अंदर उसकी खैरखाई और उसका होना बहुत जरूरी। इसको प्लीज़ कहीं जेहन में रख लीजिए कि जब आप सुपरवाइज़र बनेंगे तो जो 3-4 लोग आपके पास आएंगे, दे डिज़र्व अनकंडीशनल ऑलवेज 1-to-1 लव। द सेकेंड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये आपके बच्चे के ऊपर और आपके ट्रेनी के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस इज अ किलर ऑफ अबिलिटीज, स्ट्रेस इज अ किलर ऑफ परफॉर्म। आप खुद देखिए, आप जिस यूनिट में काम करते हैं, अगर हर वक्त आपके ऊपर एक प्रेशर है, आपको लगता है कि यार ये बॉस ने तंग किया हुआ है, आप आई आते कमरे में आपको कहा क्या मुसीबत आई है, सकल से मैंने काम किया हो, काम क्यों नहीं किया अभी तक, पूरा करके काम दो, काम क्यों नहीं करते हो? क्या समझते हो अपने आप को, तनख्वाह मिलती है आपको, यहां काम करें बस। ये 4 फिक्रे आपको सुबह अगर हर रोज सुनने को मिले, बस सिर्फ 4, मुझे बताइए आप कैसे परफॉर्म करेंगे। सेम इज योर चिल्ड्रन, सेम आर योर चिल्ड्रन एंड सेम आर योर ट्रेनीज। इफ योर ट्रेनिंग, इसलिए बहुत सारे, मैं जब प्रिंसिपल था अक्सर, सर मेरा यूनिट चेंज कर दें, टेंशन में सर, टेंशन में, हालांकि फिजिकली नहीं मार रहे आप और आप दिल में कह रहे हैं कि इसके फायदे के लिए कर रहा हूं, अगर इसका फायदा नहीं होगा, प्लीज आप याद रखिएगा, आप स्ट्रेस करें, रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम योर सेल्फ एंड योर ट्रेनिंग बाई प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्रमोट पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट्स। इसलिए जो भी अक्सर हम लोग अपने ट्रेनिंग पर स्ट्रेस किस बात का डालते हैं, इवेंट्स के ऊपर डालते हैं ना, रात का राउंड किसने किया, राउंड करने कोई नहीं आया, 2 मरीज मैंने भेजे थे देखे नहीं तुमने, सब काम के ऊपर ही करते ना। तो वी हम इंशाल्लाह सेकंड सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, इस सिचुएशन के अंदर उसको ये कैसे बावर कराना है कि रात का राउंड तुमने नहीं किया, जिसकी ये नुकसान थे, लेकिन विदाउट पुटिंग हिम इनटू स्ट्रेस। यू कैन पुट हिम इनटू चैलेंज but not stress. There is a difference between challenge and a stress. If I ask you to lift this table, this will be a stress. But if I give you a weight in a gym to just do this exercise, this will be a challenge. When you are under stress, you break. When you are under challenge, you build up. When you lift that weight, your muscles will become, your biceps will become stronger. But when an unnecessary, irregular weight is put on your hands, you may break your tendon or you can just damage your, sprain your ligaments. So please remember, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप अपने trainees से काम ना लें, सुबह से लेकर शाम तक काम लें, मगर that has to be a challenge. That has to be a challenge. मुझे नहीं पता सुबह तक तुम्हें वार्ड में रहना है, घर नहीं जाना, और चार्ट मुकम्मल ना हुए तो मैं सुबह देखूंगा तुम्हें, दिस इज अ स्ट्रेस। यार ऐसा है, कल डेडलाइन है, ये सारे मुकम्मल करने हैं, और आई नो कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ ब्रेक नेक्स्ट डे, तो ये मेरा बेटा मुकम्मल करके जाना, और ये करने जरूरी है। और जब वो रात को 9 बजे हो तो आप अपने क्लिनिक से उठ के आ रहे थे, तो रास्ते में आपने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा और वार्ड में कहा ओए काम कर रहा है अभी तक, मैंने कहा तूने डिनर नहीं किया होगा, ये ले पिज़्ज़ा खा ले। और 1 बजे जब आप खुद सोने लगे प्रैक्टिस ख़त्म करके अपनी, तो हल्का सा मैसेज करके कहा आई नो यू आर अवेक,
वेल डन सन, गुड बॉय. अब वो सारी रात काम कर रहा है और सारी रात झूम भी रहा है, जैसे जिम में एंजॉय कर रहा है. और अगर आपने कहा मैं टांगे तोड़ दूंगा सवेरे जब चाड़, मैं देखता हूं कैसे चाड़ तुम्हारा मुकम्मल हो, करो काम. ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप उससे उसी लेवल का काम ले सकते हैं बाय मेकिंग इट अ चैलेंज इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ स्ट्रेस. ये बात क्या, पहली बात मैंने आपको ये बताई है, अनकंडीशनल ऑलवेज वन टू वन लव. दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया है कि वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू गिव इट टू योर ट्रेनीज एंड योर पेरेंट एंड योर चिल्ड्रन, दे शुड टेक इट एज अ चैलेंज नॉट एज अ स्ट्रेस. एंड एज अ सुपरवाइजर यू मस्ट लर्न वेरियस टेक्निक्स फॉर रिलीविंग योर स्ट्रेस. थर्ड, रिलेशनशिप स्किल्स वी मस्ट हैव. आपने अभी अपने चार्ट में लिखा था रिलेशन नहीं था ठीक उनका रिलेशन. अब हम इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस द लीडरशिप स्किल्स एंड वन ऑफ द टॉपिक विल बी द लेवल्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब होता है कि यूजिंग योर इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग अ चेंज. दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू हैव इन योर ट्रेनिंग. यू वॉन्ट टू यूज योर इन्फ्लुएंस to bring a change in your training. वो क्यों चेंज होने पे तैयार हो, तो उसके लिए मॉडर्न लीडरशिप का लिटरेचर ये कहता है कि दैट देर इज ओनली वन बेसिस फॉर इट विच इज इफेक्टिव बेसिस एंड दैट इज योर पर्सनल रिलेशन. यू रिमेंबर वन ऑफ यू सेड कि वेन शी वेंट टू गेट हर डेजर्टेशन साइंड हर सुपरवाइजर सेड आर यू माई ट्रेनी आर यू माई सन और यू नेवर सन आई लुक्स लाइक माई सन यू आर असलम और अक्रम. हाउ फनी इट लुक्स, ऑल ऑफ यू आर लाफिंग बिकॉज यू आर अम्यूज्ड. बट आई थिंक द सेम टाइप ऑफ अम्यूजमेंट शुड बी देयर व्हेन अ सुपरवाइजर इज आस्किंग फ्रॉम अ ट्रेनी कि आर यू माई ट्रेनी. मेरी बात समझ रहे हैं? ये तभी मुमकिन है कि आपका हर एक के साथ पर्सनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप. और मैं तो उसको एक एहसान की टर्म में कहता हूं, हर आपका ट्रेनी आपका एहसान मंद हो ए पॉजिटिव सेंस. ओके यार ये वही सर हैं कि मुझे याद है जब मैं IIM में फेल हो गया था तो जू ही मैं अंदर आया तो आकर उन्होंने मुझे जोर से गले लगाया और गले लगा के कहा कोई बात नहीं पुत्र यू फेल ना, एक्चुअली आई फेल्ड, थोड़ी मेहनत मैंने कम की है तेरे ऊपर, डोंट वरी आई स्टिल लव यू, करेंगे मेहनत करके तुझे. ये वो वाले सर हैं जब उन्होंने मुझे कहा था. और मुझे याद है कि जब एक दफ़ा मेरी अम्मी बीमार हो गई थी तो उनको पता लगा तो रात के 2 बजे सर आए थे मेरी अम्मी को देखने के लिए. वो वाले सर हैं. पर्सनल बेसिस रिलेशनशिप, पर्सनल आपके ट्रेनिंग के साथ आपका रिलेशनशिप. ये तीसरी स्किल है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसको आपको पता है कि जो कामयाब जिंदगी है, कामयाब जिंदगी क्या होती है कोई बताएगा एक फिक्रे में, कामयाब जिंदगी क्या होती है? मैं कामयाब हूँ, सेटिस्फाइड. तो किस चीज़ पर सेटिस्फाई होता है बंदा? तो एक बंदे के पास बहुत पैसे हों तो हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो, शुक्र है अल्लाह का बैंक में काफ़ी पैसे, गाड़ी भी अपनी है. एक बंदे की सेहत बहुत अच्छी हो कहता है मैं शुक्रगुजार. आपके ख्याल में कामयाब लाइफ कौन सी होती है? कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे तो कामयाब लाइफ. और कुछ जी, अच्छा मैं आपको बताऊँ कामयाब लाइफ को ना, और मैं कोट करूँगा हमारे दोस्त हैं सलमान आसिफ साहब, वो मैंने उनसे ये बात सीखी थी. हम सब मुसलमान हैं ना, हमारे लिए कामयाबी का जो लेवल वन है ना वो है जो कुरान में लिखा हुआ है. और ये बात हमारे जहन में आती ही नहीं है किसी तरीके से. जो जहन्नुम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया फकद फाज, वो कामयाब है. नहीं, जो सिंपल कुरान के लफ्ज हैं, मेहरबानी करके अपने जहन में ये बात रखिए, चाहे आप प्रोफेसर बन जाएं चाहे आप कुछ भी बन जाएं, अल्टीमेट लेवल वन कामयाबी वो है अगर हम जन्नत में चले गए. और लेवल टू कामयाबी का ये है कि आपको रिश्ते निभाने आते थे, आपको खुश रहना और खुश रखना आता था, रिश्ते आप बना सकते थे. रिश्ते बनाने का क्या मतलब?
रिश्ते बनाने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती है, हाँ अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती है, मेरे सब अच्छे दोस्त हैं, जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ भी आपने रिश्ता निभाया हुआ है। एंगर की वर्कशॉप में आप देखेंगे लोग कहते हैं बस मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता लेकिन मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो भाई साहब आप बर्दाश्त क्या करते हैं? बर्दाश्त तो करनी ही गलत बात होती है। आप कह रहे हैं सिर्फ मैं अच्छी बात बर्दाश्त करता हूं, अच्छी को क्या बर्दाश्त करना होता है, अच्छी तो अच्छी होती है, बस मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। इससे ज्यादा हमाकत वाली बात कोई नहीं होती, इट्स अ स्टुपिडिटी। फिर आपकी बर्दाश्त तो जीरो है। तो रिश्ते निभाने का मतलब यह है कि वो जो बेस्ट ग्रेजुएट था आपका ट्रेनी, उसके अलावा एक बेचारा 8 अटेम्प्ट में पार्ट 1 करके आया है, उसके साथ भी रिश्ता निभाया हुआ है आपका, जिसके ओ लेवल में कोई नंबर नहीं आए और अब उसकी बुनियानों की दुकान आपने बेटे को खोल के दी हुई है, वो उसके साथ भी उसी तरह है जिस लड़के जो आपका जो भी नस्ट के अंदर दाखिल हुआ हुआ है, वो भी आपके लिए शर्म का बायस नहीं है। तो प्लीज आप याद रखिएगा इस बात को, आप ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते किसी की, आप उनको अपने से बेहतर इंसान बना ही नहीं सकते इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट पर्सनल बेस्ड एंड अनकंडीशनल। अपने दिमाग से हमें यह बात निकाल देनी चाहिए, मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाई साहब आप कुछ भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं, आपके अंदर ह्यूमन फ्लेवर तो है ही नहीं। माफ करना इस सख्त बात मैंने की है, इट्स एन एनिमल फ्लेवर। कभी आप बिल्ली के दुम पे पांव रख के देखें वो क्या रिएक्ट करेगी। ह्यूमन से एक्सपेक्टेड है कि अगर आपके दुम पे किसी ने, दुम से मुराद कुछ भी, दुम यानी आपको फिजिकली कोई भी आपको रखा है पांव, तो आपने देखना इस बेचारे की पता नहीं क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इसने दुम पे पांव रखा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एटीट्यूड एंड एन एनिमल एटीट्यूड। तो रिलेशनशिप प्लीज याद रखिएगा, जब आपके ट्रेनीज आएंगे पर्सनल रिलेशन, वो क्या एक मेरे अबू हैं मेरे जिंदगी में, जैसे उन्होंने कहा उनकी आंखों में आंसू आ गए, एक मेरे पाशा साहब है, बात दो बंदे हैं, अम्मी हैं अबू हैं और मेरे सुपरवाइजर हैं। जो हैप्पी फादर्स डे होता है ना, मैं पहला पैगाम बाबर साहब को भेजता हूँ हमेशा, फादर्स डे का पहला पैगाम बाबर साहब को भेजता हूँ, पहला पैगाम बाबर साहब को भेजता हूँ, ठीक है। इसलिए बेटा ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, इससे कम के ऊपर सुपरवाइजर नहीं आप ट्रेन कर सकते, वरना इस तरह की लिस्ट 15 साल के बाद आपकी भी होगी। वैसे तो मैडम अच्छी थी, काम नहीं सिखाती थी, तो ये प्लीज याद रखिएगा। अगली बात जो है वो ये है कि बिहेवियर में आप जो आपके पास आया है अब वो बदल के जाए, यूजिंग मोटिवेशन एंड फीडबैक रादर देन पनिशमेंट। प्लीज आप याद रखिएगा, सुपरवाइजरशिप के अंदर पनिशमेंट का खाना निकाल के फाड़ के फेंक दीजिए। उसके लिए एक टर्म है प्यूनिटिव एक्शन, विच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो कि महकमाना काम होता है। किसी ने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की है, कोई किसी मॉरल क्राइम के अंदर मुब्तला है जो आपकी एसओपी का हिस्सा है, वो एक प्यूनिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। और मैं आपको आज पोस्ट लंच सेशन में अर्ज करूंगा कि प्यूनिटिव एक्शन से पहले 10-12 और रेमेडीज मौजूद हैं, 10-12 रेमेडीज। आप खुद देखिए, आपका बेटा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, क्या इसके बदले में उसकी कम से कम एक उंगली तो तोड़ देनी चाहिए? अगले साल नहीं हुआ तो अंगूठा भी काट देना चाहिए, नहीं तो ट्रेनिंग के साथ क्यों सजा दी जाए? भाई आपका बच्चा सुबह तक सोता रहता है, उठता नहीं है, काम नहीं करता, वक्त के ऊपर नाश्ता नहीं करता, तो उसको धक्के मार के आप निकाल देंगे घर से बाहर? तो अगर आपका ट्रेनी 4 दिन नहीं आया, उसको तो धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। अगर फर्ज करें आपके बेटे ने कुछ भी काम किया, आपके पर्स से पैसे चुरा लिए, तो क्या आप तमाम नौकरों को, तमाम मुलाजमों को इकट्ठा करेंगे, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके सबके सामने कहेंगे ये खबीस इंसान है, ये चोर है, ये घटिया इंसान है, मैं शर्मिंदा हूं इसके ऊपर? क्या आप ऐसा करेंगे? लेकिन आप ट्रेनी के साथ तो ऐसे ही करते हैं, पूरी वार्ड में खड़े होकर सबके सामने उस पर शाउट करते हैं, आपने आपके तजुर्बों से गुजरे होंगे आप, कभी सबके सामने पब्लिक ह्यूमिलिएशन, सबके सामने घटिया इंसान राउंड के अंदर साफ गुस्से में। प्लीज आप याद रखिएगा,
पर्पस क्या है? पर्पस उसको हकीर साबित करना नहीं है, पर्पस इज टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर. मैं मानता हूं हो सकता है वो बदतमीज हो सकता है उसको बात करने का नहीं पता, हो सकता है वो एरोगेंट हो, मे बी इज नॉट वेरी गुड कम्युनिकेटर विद द पेशेंट्स, वो बाज़ूकात गड़बड़े में करता हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों के साथ भी उसने अपने कोई रिलेशन बना के तो कराता हो सारा, बहुत सारे बॉर्ड आपको हो. तो अब एज ए सुपरवाइजर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज टू चेंज हिज बिहेवियर एंड दैट विल बी पनिशमेंट. इज अ वेरी वेरी पुअर टूल फॉर इट. पनिशमेंट का एक लेवल है, एक करनी पड़ती है कहीं, प्यूनिटिव एक्शन जहां मैं अब डिस्कस करूंगा उसका, लेकिन बिफोर दैट मोटिवेशन फीडबैक एवरी वन इज वेरी गुड. प्लीज रिमेंबर, थोड़ा माहौल की वजह से बंदे के अंदर कुछ आ जाता है कभी, जिससे सरजद हो जाती है उससे कुछ बात, जैसे हम सबसे होती हैं सरजद, मगर हम सब अच्छे लोग हैं. एंड प्लीज रिमेंबर आपके ट्रेनी भी अच्छे लोग हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आपने उनकी बिहेवियर मैनेजमेंट करनी है, सजा नहीं देनी इस उम्मीद पर कि सजा से वो ठीक हो जाएगा. और अगली बात है कि जैसे जैसे अपनी ट्रेनिंग में वो ग्रो करेगा उसको ऑटोनमी दें और इंडिपेंडेंस करें, मेक हिम और हर सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंस, ये बहुत जरूरी है. शुरू शुरू में वो आया, उसे कहा कि जाओ एसआर के साथ आउटडोर में बैठो, वो बैठ गया देखता रहा. फिर एक दिन ऐसा हुआ उसे कहो कि यार ऐसा करो तुम जाओ 11 बजे ज्वाइन कर लेगा तुम्हें आके, 10 बजे तक तुम, लेकिन जो सीरियस पेशेंट हो रोक लेना, सीरियस पेशेंट तुम रोक लेना, और ऐसा करो पेशेंट को प्रिपेयर करो सारा कुछ करो ठीक है, और सेकंड असिस्टेंट फिर आप उसको खड़ा कर दें, फिर आप फर्स्ट असिस्टेंट आ जाए. फिर एक वो कहें ऐसा कर यार इंसियन दे ना, मैं खड़ा हूँ इंसियन दे, अच्छा बस ठीक है इधर आ जा. फिर उसके बाद उसे कहा चल तू कर डिसेक्ट कर, शाबाश सारा डिसेक्ट कर, एनास्टोमोस मैं करता हूँ, अच्छा मैं खड़ा हूँ तू कर एनास्टोमोस कर. हत्ता कि एक वक्त आ जाए जब आप अपने ऑफिस में बैठे हो कहे क्या पेशेंट है, उसने कहा सर रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करना है, एक वो है इंटरसेप्शन है, ठीक है कर मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में तो कर, एंड देन अ टाइम कम्स व्हेन इट बिकम इंडिपेंडेंट. वैसे मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊँ, जो कि मैं पेरेंटिंग की भी वर्कशॉप्स कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रेनिंग के साथ ऐसे करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं. तुम नहीं उठना ना, बाहर नहीं जाना, पापा के साथ जा रहे, खेले नहीं जाना, तुम ऐसे खाना डील मंगवा लो घर में, डील मंगवा घर में मंगवा लो ना, नौकर काम करना, जूते को हाथ नहीं लगाना. तो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटिंग इज के बच्चों को सेल्फ रिलायंस पे किया जाए, अपने पैरों पे खड़े होना बनाया जाए, माँ और बाप के बगैर जिंदगी गुजारना सिखाई जाए, समझे? और यही आपके ट्रेनिंग्स का है. जिस वक्त 4 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी हो, उस वक्त कहीं आपको अपेंडिसाइटिस खुदा ना खास्ता हो जाए, आप उससे बेशक ना ऑपरेशन करवाएं, अपने किसी कुलीग से करा लें, लेकिन आपको पक्का कॉन्फिडेंस हो कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन ये कर लेगा. और ये उसी वक्त होगा जब हर चीज आप पर्सनल जान रहे हैं, ये वो बच्चा है, ये वो लड़का है जो कि जिसने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया. अगर आपको पता ही नहीं होगा फिर कैसे करेंगे? जब तक चीजें स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होंगी, वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होगा. और मैं आपको भी बताऊंगा कि मिनिमम क्या है रिक्वायरमेंट जिसके जरिए से ये अचीव किया जा सकता है. लेकिन प्लीज आप याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपरवाइजर टू मेक योर ट्रेनी सीरियली एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सेल्फ ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट. जो भी आपकी स्किल हैं, जो भी कुछ है, उसको अकेला हैंडल करने के काबिल हो. देन ऑफ कोर्स प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग इन द यूनिट. एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग का क्या होता है? सुबह आए, राउंड हुआ, उसके बाद आप चले गए, चाय पी, कॉफी पी, सर्जन ऑफिस में जाके आप चले गए, पीछे से बस चल रहा है सारा कुछ. एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि शाम तक की पूरी लर्निंग एक्टिविटी प्लान्ड हो. थर्ड ईयर को ये पढ़ाएगा, फोर्थ ईयर को ये पढ़ाएगा, फोर्थ ईयर का रेजिडेंट फर्स्ट ईयर वाले को ये पढ़ाएगा, सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर को ये पढ़ाएगा, नर्सों की क्लास कौन लेगा, पैरामेडिक्स की क्लास कौन लेगा.
आप कुछ याद है आपके वार्ड में कहीं पैरामेडिक्स की क्लास होती हो? आपका सीनियर रजिस्ट्रार खुद पैरामेडिक्स को पढ़ा था। मैं था ना एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में बैठते थे तो कहा सर जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ तो नर्सिंग केयर है ही नहीं। तो उन्होंने साहब कितने अर्सा हो गया आपको प्रोफेसर बने हुए? 20 साल। इट्स अ शेम। अब 20 साल से एक यूनिट के प्रोफेसर हैं और आप 6 नर्सों को नहीं सिखा सके। अगर हम 8 बजे आते तो हफ्ते में 2 दिन हमारी नर्सों की क्लास भी होती, 1 दिन पैरामेडिक्स की क्लास भी होती, 1 दिन वार्ड बॉय और उनकी भी क्लास होती, चाहे उसको रजिस्ट्रार पढ़ा रहा होता। इमरान को पता नहीं ये बाद में ज्वाइन किया है, वी ट्राई टू डू इट इन कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज। तमाम नर्सिस के लिए हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि सब नर्सों को ECG सिखानी है 20-20 के बैच में, और जो ECG सीख ले उसके क्या बिल्ला बन जाएगा इसके ECG। इस तरह हमने नेफ्रोलॉजी वालों को कहा कि सब नर्सों को फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट सिखाना है, सब नर्सों को BLS करवाना है, और इस तरह पैरामेडिक्स के 40-40 की शुरू में मैं खुद लेता था, बाद में फिर काजी साहब और वो लेते थे हमारे वो थे। तो बेसिकली एक लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है। इस दिन हमारी एक शायद होती यार हमारे यहाँ नर्सों को आता ही कुछ नहीं है, भाई यही फर्क है वलायत में और हमारे, उनकी नर्सें बहुत अच्छी हैं, भाई आपने उनको सिखाया ही नहीं कभी। आपको 8 बजे से 2 बजे तक नौकरी इसलिए मिली है कि उसके अंदर आपने बैठ के पूरा अपने टेक्नीशियंस को सिखाना था, पैरामेडिक्स को सिखाना था, वार्ड बॉय को भी सिखाना था कि मरीजों को कैसे अटेंड करना है। इसका नाम है लर्निंग एनवायरनमेंट। इंशाल्लाह आप सुपरवाइजर बनेंगे तो ऐसे आपका जैसे ना एक वो फूलों की दुकान होगी, आपका वो फूल खिले होंगे, कहीं चमेली का, कहीं गुलाब का, कहीं कुछ का। आप देख रहे होंगे उधर एक रजिस्ट्रार कोने, उसको पता है हफ्ते में एक दफ़ा उसने नर्सों की क्लास लेनी है, तो वो नर्सों को बता रहा होगा बेड सोर कैसे बनते हैं। एक तरफ एक जो रजिस्ट्रार है वो वार्ड बॉय को बता रहा होगा कि जो अटेंडेंट लड़ते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। एक तरफ आपका थर्ड ईयर का रेजिडेंट सेकेंड ईयर को पढ़ा रहा होगा, सेकेंड ईयर हर एक को पता होगा कि आज मेरे उसका प्लान बना हुआ होगा। दिस इज वॉट आई मीन एजुकेशनल एंड लर्निंग एनवायरमेंट। आपका वार्ड एक दुकान ना लगे बस, जिसमें गाहक आ रहे हैं, गाहक को सौदा दिया जा रहा है और गाहक जा रहा है। वहां हर बंदा आप पर स्वीपर आना चाहे वो कहे यार इनकी वार्ड में जाते हैं ना जब मैडम की वार्ड में, यार बड़ा सीख के आते हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि पेशेंट को ट्रॉली से शिफ्ट कैसे करना है, ये मैंने मैडम से सीखा है। नर्स कहे कि वो ना मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि वो जो एक्सपायरी कैसे देखनी होती है टीकों की, और मुझे उन्होंने बताया था कि शॉक को कैसे देखना होता है। तो मैं रात को एक दिन बैठी थी तो मुझे उन्होंने बताया देखो ये साइन है 4 शॉक, इसकी वजह से शॉक होता है, मैंने उनसे सीखा। अब ये सुपरवाइजर का काम ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और इसमें उसने कुछ भी नहीं करना। कभी आपने अखाड़ा देखा है? गुजरांवाला का रहने वाला है कोई, अखाड़ा होता है ना, अखाड़ा पुलवान लड़ रहे होते हैं पीठ, एक बुढ़ा सा बाबा होता है पीछे बैठा होता है, वो जिसम उसका लटका हुआ होता है, वैसे बड़ा देखता रहता है बस, कहता ओए तो भी मार, तो भी पटड़ा एक दाव होता है, ओए मोती चूर मार, दाव के नाम है। और ऐसे कोई शागिर्द जो है ना वो हल्का सा करे तो पीछे से जाके मट्टी उसके यूं वो तेल लगा होता है ना वो स्लिप होता है तो मट्टी डाल के ना ऐ थप्पड़ मार के फिर आके बैठ जाता है, उसे कहते हैं दादा उस्ताद। सुपरवाइजर इज अ दादा उस्ताद। सारे में कुछ भी नहीं करना आपने, पीछे बैठना, ऐसे आराम से बैठ के कॉफी पीनी है, सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कभी आपने यानी का ऑर्केस्ट्रा देखा है? यानी का, यानी की म्यूजिक, यानी एक कंपोजर है, वो क्या कर रहा होता है? वो पीछे सिम्फनी बज रही होती है, वायलिन वाला वायलिन बजा रहा होता है, वो सारे बजा रहे होते हैं। यू आर यानी, यू आर अ म्यूजिक कंपोजर, यू आर एन ऑर्केस्ट्रा मास्टर, यू आर अ दादा उस्ताद। बट दैट इज ओनली पॉसिबल If we create an environment, educational environment over there, हर बंदे को पता हो कि बाबा आ गए हैं, उनको पता है कि मेरी आज की ड्यूटी, हर बंदे का फर्स्ट ईयर रेजिडेंट का पूरा हो, ये आपकी हफ्ते में एक वार्ड बॉय की क्लास है, एक आपने उनकी क्लास लेनी है, एक नर्सिंग की क्लास है, दूसरा ये थर्ड ईयर को आपने पढ़ाना है, ये फाइनल ईयर को क्लिनिकल मेथड पढ़ाना है, और एक ऑटो सिस्टम हो कि उसको कोई और चेक कर रहा है उसको, और ये बड़े आप ज़हीन लोग हैं, आप बड़े आराम से बना लेंगे। That is what is actually education and learning environment. Please आप ये करेंगे इंशाल्लाह, अभी भी आप कर सकते हैं जब तक सुपरवाइजर नहीं भी बनते। एक प्लीज और याद रखिएगा, आप गाइनी
सर रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी तो आपका? मेरा सर एनेस्थीसिया में है। एनेस्थीसिया, तो जो आपकी ट्रेनी है ना, सिर्फ उसको एनेस्थीसिया नहीं सिखाना, उसको जिंदगी सिखानी है, उसको जिंदगी सिखानी है। आपके हाथ में किसी ने अपना शहजादा या शहजादी दे दिया 4 साल के लिए, वो वाकई शहजादा बनाना है उसको, शहजादी लाइफ स्किल सिखानी है। अकेला पीडियाट्रिशियन बना के नहीं छोड़ देना सर, जैसे आपने कहा, लाइफ स्किल सिखानी, जिंदगी कैसे गुजार। और वो सारी हैं जो मैंने आपको एक लिस्ट करके दी थी, जिसमें उसकी एंगर मैनेजमेंट है, उसकी बिहेवियर कैसे उसका हो, कैसे उसके अंदर लालच ना हो, कैसे सर्विस ओरिएंटेड हो, कैसे उसका पर्पस ऑफ लाइफ ऊपर हो, कैसे उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी हो लाइफ के अंदर। ये सुपरवाइजर का काम है, ताकि आपके नाम के साथ लोग कहें अल्लाह बख्शे, अल्लाह गरीब की रहमत करे, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। इस तरह के फिक्रे हमारे बारे में लोग बोलें, क्योंकि हमने उनको लाइफ स्किल्स सिखाई हैं। प्लीज़ याद रखिए, सुपरवाइजर का सिर्फ काम 4 साल पूरे करके और जो CPSP के कैरिकुलम के अंदर स्किल्स लिखी हैं उनमें टिक करना नहीं है, सिर्फ लॉग बुक के ऊपर टिक करना सिर्फ नहीं है। यू हैव टू टीच हिम लाइफ स्किल्स, टीचिंग देम स्किल्स नीडेड फॉर सक्सेसफुल लाइफ अदर देन द प्रोफेशनल स्किल्स। इसके अलावा शायद ये आखिरी है, प्लीज लुक आफ्टर देयर फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। अब आपका कमरा है, बड़ा एयर कंडीशन है, फर्स्ट क्लास है, रात को ड्यूटी वाले हाउस सर्जन की बैठने की जगह ही नहीं है वहां। कभी आपको तजुर्बा हुआ है इस तरह का? कोई कॉमन रूम नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा लड़कियां होती हैं, बच्चियां, उनकी जरूरियात डिफरेंट होती हैं मेल से। कोई लॉकर नहीं है, कोई अच्छा डिसेंट वॉशरूम नहीं है, सामान रखने की कोई जगह नहीं है, टॉयलेट प्रॉपर नहीं है उनका, खाना कहाँ से आता है, कैंटीन प्रॉपर नहीं है। तो लुकिंग आफ्टर द फिजिकल थिंग्स रिलेटेड टू योर ट्रेनीज, फिजिकल वेलबींग, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उनका, उसकी जो वेलबींग है उसका ख्याल रखना, ये भी सुपरवाइजर की जरूरत है। सो दैट योर ट्रेनीज आर कंफर्टेबल। बिफोर शोइंग यू दिस स्लाइड, आई वुड लाइक यू टू जस्ट गो थ्रू वन बाय वन योरसेल्फ। मैं सिर्फ लिट करूंगा स्लाइड, आप खुद ही देखते रहिए और अपने आप को देखते रहिए कि मैं कैसे इसको, इस स्किल को अपने ऊपर लाने के लिए क्या कोशिश करूं। और अगले 3 दिन में हम इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ आपके साथ अपने शेयर कर सकें। दिस इज वन, ऑब्वियसली स्ट्रेस मैनेजमेंट तब कर सकेंगे पहले खुद स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। अगर खुद ही जनाब को नींद ही नहीं आती रात को और खुद ही सारा दिन कहते हैं मेरा सर बड़ा फटता है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, तो फिर आगे अगर आपकी जेब में 100 रुपया नहीं है तो किसी को 100 रुपया क्या देंगे, आपकी हंडिया में सालन नहीं है तो भूखे को कहाँ से खाना खिलाएंगे। तो पहले तो अपने स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप, लोगों के साथ लड़ाइयाँ ही हैं 100 यूनिट में, कहते हैं बस ये आ गया चुप कर दो यार अब, या लोग कहते हैं ओह शुक्र है यार तू आ गया, यार तू मेरे पास बैठ यार, होते ना लोग ऐसे, ऐसे लोग होते हैं ना कुछ, यार तू मेरे पास बैठ, ना ना तू उधर छूट रहा यार, और कुछ कहते हैं कि तू उधर बैठ यार मैं आता हूं। तो क्या हम वो हैं कि नहीं, ये वाली बात याद रखिएगा। पनिशमेंट को निकाल दें दरमियान में से, इसलिए कि ये खुदा की एक सिफ्त नहीं है, ये अल्लाह ने किसी को जन्नत में भेजना है, सजाएं देनी है। लेकिन मिनट टू मिनट आप देखें ना, हम में से कोई है जिस, मैं नहीं पूछता, किसी ने फजर की नमाज फर्ज करें आज नहीं पढ़ी, तो अचानक वो सो के उठे तो साथ काना हुआ हो, एक आंख हो ही ना उसकी, अल्लाह पाक तो ऐसे नहीं करते। आपने झूठ बोला अगले दिन आप गंजे हो गए,
अल्लाह पाक तो ऐसे नहीं करते, है ना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, नसीहत है कुरान की शक्ल में, नसीहतें हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं। तो हम क्यों जरा सी बात पे तो अगले की टांग तोड़ दी, मतलब इमोशनली भी टांग तोड़ सकते हैं, जो तो नहीं फिजिकली टांग तोड़ी जाए, इमोशनली भी तो टांग टूट सकती है। तो इस अपने सिस्टम से खुदा के लिए पनिशमेंट को निकाल दें। प्यूनिटिव एक्शन जरूर है, वो हम डिस्कस करेंगे कब करना है, लेकिन पनिशमेंट को निकाल दें अपने जेन से। पनिशमेंट से कुछ नहीं होता, बस उसकी वो है आखिरत में जिसको जहन्नम में जाएगा उसकी खास शरायत है, उन शरायत में पूरा होगा तो वो खालिदीन फीहा जहन्नम में चलेगा। उससे पहले सारे वल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, अल्लाह सब तवा कबूल करने वाला है। आप देखिए ना, सजा को निकालिए जहन से। इसी तरह उसको अटोनमी, आपके नीचे उनको अटोनमी, प्लीज़ अटोनमी दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा। वो कहे यार 3 महीने पहले तो मुझे एंडोट्रेकल ट्यूब बिल्कुल पता ही नहीं था, यार आप यकीन करो बच्चे में भी डाल लेता हूँ, बूढ़े में भी डाल लेता हूँ, और अगर वो मैं अवेक इंट्यूबेशन भी कर लेता हूँ, और वो जो एक्सटिलेट से भी डाल लेता हूँ, एलएमए भी डाल लेता हूँ, यार ये सारा जो है ना अदनान साहब की वजह से, मान से अदनान साहब ने सीजा मैंने आप सर, अदनान साहब ने यार एक दिन ना मुझे डलवाई है, ओह यार थैंक यू वेरी मच। वो अपनी बीवी के साथ जा रहा होगा, कहेगा ये यार ये अदनान साहब ये इन्होंने सिखाई मुझे, और आपकी नज़र में अस्सलाम वालेकुम सर, सर साहब इनकी वजह से। उसको इंडिपेंडेंट करें, ये मैंने कहा इसको प्लीज गौर कीजिए, अभी भी करें प्लीज, इसको आज से ही शुरू करें इसको। आपके नीचे तो आपके अंडर ही है ना सारे एजुकेशनल एनवायरनमेंट, लेकिन इसके लिए बुनियादी पंक्चुअलिटी है। हम आएंगे ही 12 बजे तो क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, और शिकायतें करेंगे, वार्ड बॉय ने वार्ड धक्के देता है यार, वार्ड बॉय बदतमीज आदमी है, पैसे लेता है मरीजों के साथ, नर्सों को पता नहीं मोबाइल में बैठी बातें करती रहती हैं। हमने उनको सिखाया है, सिखाया हमने उनको। आजकल हाउस सर्जन काम शाम नहीं करते, हमारा ज़माना बहुत ज़बरदस्त था भाई साहब, कभी मोटिवेट किया है, कभी उनके प्रॉब्लम सुने हैं, कभी बैठ के बात की है, करेंगे तो होगा ना। और फिर मैंने कहा लाइफ स्किल्स, ये भी ज़रूरी याद रखिएगा, एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। और सर आखिर में ये जो इन स्किल्स की लिस्ट में जो मैं आप सर्च करना चाहता हूँ वो ये बात है, अब थक तो नहीं गए, सॉरी फॉर दिस, मैं चाहता हूँ प्रिजर्व हो जाए तो फिर यूज़ हो जाती है ये, कि जो कुछ, एक सवाल आपसे पूछ लूँ मैं सर, आप अपने बड़े बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, सच सच कोई नहीं है, डॉक्टर, डॉक्टर क्या बनाना चाहिए आपकी ख्वाहिश में, वो तो जिसमें खुश होगा, आपके जहन में एक होती ना अपनी भी तो एक विजन है, अगर ये बन जाए तो ठीक है, वैसे तो जाहिर है वो जो बने वही बनेगा डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट, हाँ सी एस एस करा के, सी एस एस अपने बच्चे को कराना चाहेंगे, डॉक्टर 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 साहब कहते हैं गुड, अच्छा डॉक्टर बेटा आप सी एस एस एयर मार्शल यानी आर्मी, नहीं नहीं वो तो जी कोई भी शख्स ये नहीं कहता मेरी, बेटा कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा मेरी असल में ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा बहुत बुरा इंसान बने, नहीं नहीं बेटा मैं आप, मेरा सवाल ही ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि आप क्या चाहती हैं उनको, डॉक्टर, हाँ तो फिर ये बात हुई ना, अच्छा इंसान बेशक ना बने डॉक्टर तो बने ना, टीचर डॉक्टर डॉक्टर स्कॉलर एंड डॉक्टर, स्कॉलरली डॉक्टर जी, बेटा आप डॉक्टर डॉक्टर, बेटा जब अल्लाह आपको औलाद दे, जब जो वो बनना चाहते, नहीं बेटा वो तो जाहिर ऐसी, लेकिन आपकी मैं तो पूछ रहा हूँ आपके जहन में क्या है कि ये बने, तो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर। अच्छा देखिए बात यह है कि जो कुछ आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, आप उसकी वैसे ही इज्जत करना शुरू कर दें अभी से, यानी आप सीएसएस बनाना चाहते हैं ना, तो आप अपने बेटे की उसी तरह इज्जत करें जैसे कमिश्नर साहब की इज्जत करें, मेरी बात समझ रही, आप उसको टीचर बनाना चाहती हैं ना, आप उसकी वैसे ही इज्जत करनी शुरू कर दें जैसे कि एक टीचर की इज्जत होती है। इसी तरह से सेम इज ट्रू फॉर योर ट्रेनिंग,
प्लीज आप जितना कुछ उसके साथ कर रहे हैं ना, मेहरबानी करके उसकी ना इज्जत जरूर करना शुरू कर दें, कि बेइज्जती नहीं करनी। स्ट्रिक्ट होने से मैं आपको नहीं रोक रहा, डिसिप्लिनरी होने से नहीं रोक रहा, मैं आपको वार्ड के अंदर एक पूरा डिसिप्लिनरी प्लान बनाने से नहीं रोक रहा, जो ये नहीं करेगा उसकी ये सजा होगी, जो ये नहीं करेगा मैं इससे नहीं रोक रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, बेइज्जती नहीं करनी। बेइज्जती कोई नहीं बर्दाश्त कर सकती। बेइज्जती दुनिया की सबसे बड़ी अजियत है जो आप किसी को दे सकते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको प्रिंसिपल बुलाए और बुला के कहे कि मैडम अकल है कुछ आपको, फर्ज करें सिर्फ ये फिक्रा बोले, अकल है कुछ आपको, कुछ तमीज है आपको, क्या करना है मुझे आज बताओ सच, क्या मकसद क्या है तुम्हारा, सिर्फ ये तीन फिक्रे आपसे बोल दें, बस सिर्फ तीन फिक्रे, कितने दिन आपके अजियत में गुजरेंगे। मैं छोड़ती हूँ नौकरी, मैं तो इनको अपने अब्बा की तरह समझती थी, मैंने उनकी इतनी इज्जत की है, लेकिन आपका जो ट्रेनी है वो उस परिंदे की तरह है जो पिंजरे में है और शरारती बच्चा ना एक वो लेके उसको यूं करके ना मारी जा रहा है, वो बेचारा यूं यूं किया क्या करे, पिंजरे में कैद है क्या करे। प्लीज डोंट मेक योर ट्रेनीज मिजरेबल। आई विल रिपीट, आई एम नॉट आस्किंग यू कि बिल्कुल उनको शुतरे बेमहार छोड़ दें, लेकिन बेइज्जती ना करें, बेइज्जती नहीं करनी, बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है। मुझे ये पता चला है कि रात आपने पेशेंट्स के साथ जो गुफ्तगू की है बहुत सख्त लहजे में की है, उसके अटेंडेंट ने मुझे शिकायत लगाई है और उसकी वजह से ये हुआ है कि नर्सिंग स्टाफ बहुत डिस्टर्ब हुआ है और आपने फिर पेशेंट को अटेंड नहीं किया, वो सारी रात पेन में रहा। आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ ताकि हम बैठ के इस मसले को डिस्कस करें और उन तमाम बातों को देखें कि जिसकी वजह से आपको इस तरह का काम करना पड़ा। एंड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ फेसबुक यू नो फीडबैक एंड फॉलो अप और ऑल दोस थिंग्स जस्ट फॉलो देम, बट वो कभी भी नहीं कह सकता सर ने मेरी बेइज्जती की है, मैडम ने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती वाली बात जो है ना ये सबसे बड़ा डेटरेंट है। उसमें रिस्पेक्ट दीजिए उनको, तो थैंक यू बस।